स्वागत है आप सभी का टारगेट बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब समझना उस दिन कहाँ तक पढ़ाए थे हम, उस दिन बताए थे कहाँ तक, नंबर ऑफ इमेज तक, दिख रहा है यहाँ तक, नंबर ऑफ इमेज तक उस दिन बताए थे। लेकिन आज हम ये पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, आज हम, क्योंकि उस दिन हम पढ़ लिए थे, अब समझना आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में कुछ और मोर इंफॉर्मेशन। रे ऑप्टिक्स के बारे में कुछ अन्य जानकारी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है वो जानकारी। और देखते हैं वो जानकारी है क्या, चलो देखते हैं आज। समझना इसको, सबसे पहले करेंगे क्या, ठीक, एक रूम लेते हैं, क्या है एक, समझना, एक ये है बंद है। ठीक है, ये क्या है, एक बंद है। ठीक, अब समझना ये है मिरर रखा हुआ, ये क्या है, मिरर है जिसको बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। अभी हम किए क्या है, ध्यान देना, इसका टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स में कुछ अन्य जानकारी। ठीक है, और डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, कहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे क्या, एक ये दर्पण लिए, स्थिर दर्पण है, कैसा दर्पण है, एक स्थिर दर्पण है, इस स्थिर दर्पण में करेंगे क्या, वो ध्यान देना, इस स्थिर दर्पण में हम करेंगे क्या, ये दर्पण है ना, स्थिर है। ठीक, अब ध्यान देना, ये यू कोई वस्तु है, क्या है यू, क्या है, कोई वस्तु है, क्या है यू, कोई एक वस्तु है। और ये ध्यान देना, ये भी है, ये भी, चलो नहीं, इसको यू लेते हैं, क्या लेते हैं यू, इसको भी लेते हैं, प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, एक काम करते क्या, ये जो मिररबा है ना, मिररबा, ठीक, इसको हम अभी पकड़ के रखते हैं। ठीक, और उसके बाद करते क्या, जैसे एक जो देखा होगा जिम में, लोग पता है क्या करते हैं, जिम करने के लिए वाला जाते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, सामने रहता है ना शीशा लगा हुआ, वहां पे सब उछलते हैं ना, तो उनको पता है क्या लगता है, उछलेगा धीरे से, लगेगा कि ढेर सारा उछल रहा है, पता है क्यों, इसी कारण से समझना इसको, जैसे हम ये रखे हुए, ठीक, समझ दिखाई दे रहा ना, इसको हम ये रखे हुए, हम कहें किसी को तुम दौड़ो, क्या करो, तुम शीशा की ओर दौड़ो, ठीक, तो पता है उसको कैसा दिखेगा, वो भागेगा एक डेग, तो उसको लगेगा कि हम दो डेग भाग रहे हैं, समझ में, भागेगा दो डेग तो लगेगा हम चार डेग भाग गए, दौड़ेगा धीरे से लगेगा उसको ढेर सारा हम दौड़ लिए। ये किसमें दिखेगा, मिरर बम दिखेगा, किसमें, मिरर में दिखेगा, किसमें दिखेगा, मिरर में, तो हम लिखाएंगे क्या, समझ लेना, ये जो दर्पण है ना, दर्पण, ये दर्पण है स्थिर है, कैसा दर्पण है, स्थिर, अभी दर्पण माई स्थिर है। ठीक, ये दर्पण क्या है, अभी स्थिर है। ठीक, अब ध्यान देना, इसको पढ़ेंगे क्या, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज, बोले तो प्रतिबिंब, क्या बोले, इमेज के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब की चाल, प्रतिबिंब की चाल किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसकी चाल, प्रतिबिंब की चाल, किसकी चाल, प्रतिबिंब की चाल। ठीक, अब ध्यान देना, ये मिरर क्या है भैया, स्थिर है, क्या है, ध्यान से सुनना इधर कान लगा के, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, पता है बहुत मेहनत किया जाता है। ठीक, ये क्या है, दर्पण, स्थिर दर्पण है। ठीक है, और एक चीज और बता दें,
अब कुछ दिन के बाद क्लास 10th वालों का मैथ का भी क्लास रहेगा, ठीक है, और इंटर वालों का इंग्लिश का भी, इंटर वालों का इंग्लिश का भी प्रैक्टिस क्लास 12th इंग्लिश, उसके बाद क्लास 10th मैथ, ये भी क्लास आएगी एक दो दिन में, या हो सकता आज ही आ जाए क्लास, ठीक है, इसीलिए सपोर्ट किया करो थोड़ा सा, ठीक है, और कोई बात नहीं। अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, वो भी कब, लास्ट में, पहले मत कर देना, लास्ट में सब्सक्राइब करना, अच्छा लगेगा तब, और ना करे तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन करना जरूर, ठीक है, कुछ भी करना लेकिन करना, और डिसलाइक करना तो कमेंट में बता देना डिसलाइक क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका सुधार भी तो करना है, ठीक है। दर्पण हो गया, कैसा दर्पण है, स्थिर दर्पण है, ठीक, अब ध्यान देना स्थिर दर्पण है और ई यू वस्तु को इधर ले जा रहे, किधर ले जा रहे, इधर, इधर ले जा रहे, दर्पण की ओर ले जा रहे, ठीक, तो ई दर्पणमा की ओर ले जाएंगे तो ई जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब जैसे चेहरा हम अपन देखते हैं ना ऐनमा में, तो उधरों से दिखता है, नहीं दिखता है उसे, ठीक, एक डेग चलना तो लेगा उसमें दो डेग चल रहे, ठीक, वही कह रहा है क्या, यू जो वस्तु है इसको यदि दर्पण की ओर लाओगे ना, कब, जब दर्पणमा को स्थिर रखेंगे तब, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो कितना वेग से भागेगा, टू यू वेग से, यानी दुगने गति से, ठीक। मानो कोई एक व्यक्ति है किसी दर्पण की ओर दूर से 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा, तो 2 से गुना कर देंगे, पहले कितना चल रहा था 2 से, तो 2 × 2 = 4 हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड, 8 से चलेगा तो 16, 16 चलेगा तो 32, 32 से चलेगा तो 64, क्लियर हुआ ना, बोलो क्लियर हुआ, मिटाए इसको, मिटाए, लिखो लिखो, अब ध्यान देना क्या करेंगे, इसको लिख लिया ना, ये हो गया था सेकेंड पार्ट, ठीक, अब इसी को मिटाएंगे, अब इसी को हम कर देंगे पार्ट 2, इसमें मात्र 2 ही पार्ट है वो पढ़ना है, ठीक, और कन्फर्म है कि पेपर में आता ही आता है, आज 3 पॉइंट बताएंगे और तीनों पॉइंट में कोई ना कोई आ ही जाएगा,